सब्सक्राइब करें ग्वालियर पिजन्स को और बेल आइकन दबा लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। बनाने के लिए सबसे पहले एक एप्पी की बोतल चाहिए, जो कि आप क्या बोलते हैं एक एप्पी लेके पी लेंगे तो फ्री में आपको ये बोतल मिल जाएगी। और आपको एक सिरिंज की सिर्फ खाली निडल का कैप चाहिए। और जैसे कि आपने और वीडियोस में देखा होगा कि जो लोग मतलब जो सिरिंज के थ्रू जो बनाते हैं तो जो उसका सिरिंज का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जो पाँच दिन के बच्चे जो होते हैं ना समथिंग, तो वो मतलब इसको उसके गले में अपन उतार नहीं सकते। तो इसलिए हम आपको इसका निडल का जो कैप होता है ना वो सजेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप 5 से 6 दिन के बच्चों को बहुत आसानी से फीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इसको बनाना कैसे। बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एप्पी का एक क्या बोलते हैं एक कैप खोलना है। एप्पी का कैप खोल के आपको जो निडल का कैप होता है संभाल के लेना है, क्योंकि इसकी सिरिंज आपको लग सकती है और इसकी ब्लेड से आपको बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए आप इसको बड़े आराम से काम करें, और जो निडल जो इसकी निकलती है ना वो इसके कैप के थ्रू ही निकलेगी। आप इसको ऐसे निकालेंगे तो आपके हाथ में लग सकती है, इसलिए आप ऐसे आसानी से निकल सकती है। फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, फिर इसको आप डैमेज करके फेंक दें। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको निडल का कैप लेना है, जो इस पर जिसका जो अपर साइड है ना वो इस पर रखना है ऐसे। ये देखिए आप ऐसे रख गया। फिर आपको इस पर कोई भी ब्लेड से या फिर जो भी आपके पास काटने के लिए बेस्ट चीज़ हो वो लेना है। वो फिर आपको इस पर ऐसे इसके बगल से एक निशान यहाँ, एक निशान यहाँ और एक निशान यहाँ, एक निशान यहाँ लगाना है। जब आप इस पर 4 निशान लगा लेंगे तो आप जब इसको यहाँ से इस पीछे से जब इसको हॉल करके इसमें डालेंगे तो ये जो इसकी जो कैप की जो कनोर होती है ना वो इसमें लॉक हो जाएंगी। आपको ज़रूरी नहीं कि आप फिर आपको इसको फेविक्विक लगाना पड़े। जब आपका दलिया जब आप इसको हैंड फीडिंग कराएंगे तो इसका दलिया आपका इसमें से निकलेगा नहीं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आप इसको बिना फेविक्विक चिपकाए भी काम करा सकते हैं। अब आप इसमें छेद करके बताते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होता है इस साइड से, बड़े आराम से छेद हो जाता है इसमें। और छेद जितना हो सके छोटा लें पहली बार में, ज़्यादा बड़ा एक बार में कर लेंगे तो फिर जो उसका कैप अपन जो फंसाना चाह रहे हैं ना वो नहीं फंस पाएगा। जैसे कि अपन आप देख रहे हैं कि ये छेद अभी उतना बड़ा नहीं हुआ छेद। फिर इसको हल्का सा नाप के फिर हल्का सा काटना है अंदाजे से, जैसे कि अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे चेक कर लेना अपन को। यहाँ से अपन देख लेंगे ना कि ये इसमें नहीं जा रहा, जैसे आप देखें अभी ये नहीं जा रहा इसके अंदर। फिर अपन इसको दोबारा हल्का सा छेद यहाँ से और बड़ा करेंगे। यहाँ पे अपन ना अंदाजा इसलिए कर रहे हैं, और एक बार में ज़्यादा बड़ा कर दिया तो फिर जो अपन जो उसका कैप का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं ना वो नहीं मिल पाएगा। ये देखिए अब आप अंदाजा लगाएं, अभी भी नहीं हुआ होगा। और इसको आप करते टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये ब्लेड का काम है, आसानी से लग सकती है। वैसे भी कबूतरबाजी करने के लिए घर वाले बहुत मना करते हैं, और जब आप किसी चीज़ से जैसे कि अपन देख रहे हैं ये अभी भी इसमें से नहीं निकल पा रहा, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। ये भी हल्का सा एक साइड से और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये बिल्कुल फिक्स साइज का अपन ने जो बड़ा करा है, ये देखिए आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। अब ये देखिए आप, इसके बाद इसमें बेनिफिट पता है क्या है इस निडल का, कि ये जो अब ये इसने चला गया ना, अभी इसको लॉक हो गया बिल्कुल, ये निडल में लॉक हो गया। ये कैप का जो फ़ायदा मिला ना अपन को, ये मिला है कि जो इसका निडल का ये कैप है ना जो लॉक हो गया। अब मैं आपको इसको खींच के बता दूँ ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये इसकी मजबूती का काम है। विदाउट फेविक्विक आप देख सकते हैं कितना फिक्स हुआ ये, कितना बेहतरीन। अब सिंपल कुछ करना नहीं है, अपन को कटर लेना, सिंपल कटर से इसका जो कैप होता है ना बड़े प्यार से, हाथ में लगे नहीं, बड़े प्यार से काट देना है सिंपल। ये देखिए आप कितनी आसानी से कट गया। बस अब अपना हैंड फीडर तैयार है, ये बोतल में लगाना है।
ये अपना हेड फीडर तैयार है। अब फिर भी मतलब जैसे बाई चांस अगर ये लीक होता है कोई गलती से जो छेद बड़ा कर दे, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। उसके लिए आपको लेना है एक फेविक्विक लेना है। आपको फेविक्विक लेके इसको देखना कि इस साइड से मतलब ये इसके छेद में ना जाए, और बाकी आप इस साइड इसके चारों तरफ हल्का हल्का फेविक्विक डाल दें। बस हल्का सा फूंक मारा, फेविक्विक बहुत जल्दी सूख जाता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथों में कितनी जल्दी लग गया। फिर यहाँ पे एक बार हल्का सा यहाँ डालना है। ये आपका मतलब जो पानी जो इसमें से निकलेगा ना, दलिए का पानी या जो भी लीकेज, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा और ये परमानेंट फिक्स हो चुका है। अब बस अपन इसको अब इसके बाद हम आपको इसका यूज़ अभी जो छोटे बच्चे हैं उन पे आपको हैंड फीडिंग करा के दिखाएंगे। अब हम चलते हैं अपने दड़बे में। ये अपन ने दलिया ले लिया है हैंड फीडिंग के लिए, और इसमें अपन क्या बोलते हैं पार्ले जी मिला लेंगे, जो कि कहते हैं काफ़ी बेहतर है। आपने और भी वीडियोस में देखा होगा कि बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं ग्लूकोज इसमें बहुत बेहतरीन रहता है, और पार्ले जी जी फॉर ग्लूकोज। तो अपन इसमें पार्ले जी को, पार्ले जी वैसे भी बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, आप चाहें तो इसको अलग से पानी में घोल के फिर दलिए मिला सकते हैं, या फिर आप इसमें दलिए में डाल के आसानी से घुल जाता है। बस दो मिनट के लिए इसको छोड़ दें इसके अंदर। ये देखिए आप बिल्कुल जो बिल्कुल दलिए में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था बिस्कुट बहुत आसानी से इसके अंदर घुल जाता है, और बिस्कुट अगर इसके अंदर आसानी से ना घुले तो बिस्कुट को आप पहले से थोड़ा सा पानी लेके उसमें दो बिस्कुट डाल के दो मिनट के लिए छोड़ देंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फिर दलिए वो आसानी से मिल जाएगा। और हैंड फीडिंग के लिए दलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सस्ते में, और प्लस इसमें अगर बिस्कुट मिला देते हैं और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, इससे बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं और जल्दी बढ़ जाते हैं। और अब करना कुछ नहीं अपन को, अपनी हैंड फीडिंग में अब ये बोतल में डालना है। बस ये ऐसे की चम्मच करके आप आराम से डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए आप ये पूरा बड़ी आसानी से इस बोतल के अंदर भर गया है, और अब मैं आपको इसको मतलब एक बार चेक करा के दिखाऊंगा ये कितनी आसानी से बच्चे के गले में अपन मतलब डाल सकते हैं। और चीज़ों से अपन जो करके देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत से लोग मतलब इसके मतलब जो इसमें दलिया नहीं निकल पाता, बहुत से लोग बताते हैं ना, तो और बहुत से लोग इसके लिए अपन को वो सजेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं एक सिरिंज आती है काफ़ी महंगी आती है, 50-60 रुपये की सिरिंज आती है जो जानवर वाली सिरिंज होती है। तो इससे बेहतर ये फ्री का एंड फीडर बनाने का फ़ायदा बहुत कुछ है। ये देखिए आप कितनी आसानी से प्यार से चलता है, ये देखिए आप दलिया देख रहे हैं आप कितनी आसानी से निकल रहा है ये दलिया, ये देखिए। तो अब मैं इसके लिए आपको अभी एक बच्चा लेके आ रहा हूँ, और अब छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा दोनों को भी देने के लिए बहुत आसानी से दोनों के गले में उतर जाएगा। ये जो इसके जो अपने जो निडल का कैप लिया है इसका सबसे बेस्ट यूज़ इसलिए है क्योंकि जो 5 से 6 दिन का बच्चा भी होता है ना, जो आपने और भी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, उन लोगों ने यहाँ पे सिरिंज डाली है 2.5 ml की या 2.5 ml की या 5 ml की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अपना एंट्रीटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब मैंने आपको इसको टेस्ट भी करा दिया है। और इसका मैं आपको मेन मकसद बताना चाहूँगा इस निडल कैप लगाने का, कि इससे आप इतने छोटे बच्चे और इतने बड़े बच्चे को भी आसानी से हैंड फीडिंग करा सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊँगा हैंड फीडिंग इससे कराना कितना आसान है। सिंपल आपको इसे पकड़ना है, ये देखिए आप कितनी आसानी से पूरे गले में भर गया, बहुत आसान है इससे पिलाना। आप देख सकते हैं इसका पोटा, वैसे भी इसके माँ बाप इसको खिला रहे हैं, और मैं इसको ऊपर से इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे उन पर लोड कम पड़े, इसके माँ बाप पर लोड कम पड़े और ये जल्दी अच्छा बेहतरीन बच्चा बन सके। और आप इस पर आप देखिए इसको, आप मैं बताता हूँ इस पर भी कितनी आसानी से ये निडल का कैप काम करता है हैंड फीडिंग के लिए। ये देखिए ये इसको धीरे से ये रखा, ये देखिए
पूरा सीधे गले में उतरा, और फिर आप जी देखिए फोटो देखिए, आप ये देखिए खाने के बाद कितनी इसकी इसके पेट में जब ये फीडिंग गई तो इसका जो हलचल कितनी कम हो गई। इसका इसका पेट पोटा खाली था, इस बच्चे का तब भी भरा हुआ था क्योंकि ये सिंगल पल रहा है और ये डबल पल रहा है, इसके साथ का बच्चा तो ये छोटा रह गया था, इसको मैंने एंड फीडिंग कराना शुरू कर दी थी इसीलिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और हमारा एंड फीडर कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को देखने के लिए एंड तक बहुत धन्यवाद आपका, और क्या बोलते हैं वीडियो लाइक करें और क्या बोलते हैं कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारा जो भी वीडियो आप तक पहुँचा आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।